Hello friends, how are you doing? Good. It's me Vanya and welcome back to my another vlog. So let's start the video. Let's go. तो भाई हमारे घर में है कुछ दिनों बाद शादी. शादी 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 तो खैर तो उस शादी के लिए तैयारियां भी करनी पड़ती हैं. तो उसमें मैंने तैयारियां करनी है कि मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या मेकअप करना है, कौन सी ज्वेलरी पहननी है. तो इन सब की तैयारियां करनी है तो वो आज मैं इस व्लॉग के अंदर करूंगी. तो आप एंड तक मेरा व्लॉग ज़रूर देखें. तो करना तो खैर मैंने सोचा है कि मैं डिसाइड करूंगी अपनी ज्वेलरी, क्योंकि मैंने जो है वो ड्रेस जो है वो पहले से ही डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है. तो खैर ज्वेलरी डिसाइड करने के लिए मम्मा बैठी है, मम्मा देख रही है मुझे. तो खैर मुझे ज्वेलरी डिसाइड करने के लिए अपना ज्वेलरी बॉक्स उठाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है. खत्म. ये रहा मेरा ज्वेलरी बॉक्स. ऐसा लग रहा है लंच बॉक्स लेकर जा रही हूँ मैं. तो खैर लंच बॉक्स नहीं है वैसे, ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स ही है. तो मुझे जो है वो ज्वेलरी डिसाइड करना है, तो लेट्स गो ज्वेलरी डिसाइड करते हैं. मस्त प्लान है. मैं हाय करूं? हाय. रुक, कहां से आते हैं? तो अभी मैंने देखा है उमायमा खेल रही है अपने चाइना बॉल से. चाइना बॉल क्या होता है भाई, लेट मी शो यू, कि वो बहुत प्यारा होता है, छोटा 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 छोटा. ये मेरा चाइना बॉल. अच्छा इसमें इसमें इस तरह का है कि जो वाइट वाला है ना वो दिख नहीं रहा, मगर ये वाइट वाला एक. वाओ व्हाट अ वंडरफुल यार. हाँ वाओ, किस तरह से हो रहा है जली. हाँ सबसे सॉफ्ट सॉफ्ट वाले जो है ना, सॉफ्ट बिल्कुल, वो ये वाले हैं, है ना मामा? ओ वाओ 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 व्हाट अ वंडरफुल घोड़ा. तो भाई ये हमने देख लिया है. उमायमा मुझे तड़ी लगा रही है. तो खैर साइड में रखो उमायमा को. अभी हम करते क्या है, निकालते हैं अपनी ज्वेलरी जो मैं लेकर आई हूँ. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. तो भाई ज्वेलरी कलेक्शन का डब्बा मेरे पास है और इसको ओपन करती हूँ मैं. अब तो उनसे मेरा बहुत सारी ज्वेलरीज हैं, झुमके हैं, कुछ ये है कुछ वो है कुछ ये है कुछ वो है. तो हमारा झांक झांक कर देख रही है, दिखाना क्या चाह रही है वानिया. बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल. दिखाना क्या चाह रही है वानिया. हमारा के दांत चूहे ले गए. हमारे घर में इतना मोटा चूहा आ गया दोबारा से. तो खैर फर्स्ट तो मेरा ड्रेस जो है, ड्रेस इस टाइप का है कि जो मेरा मायो का ड्रेस है, ड्रेस. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. जो मेरा मायो का ड्रेस है वो है वाइट कलर का, फुल वाइट कंप्लीट. और जो मेरा बारात का ड्रेस है वो आई थिंक वेलवेट है, गोल्डन वेलवेट है, ऐसी कुछ गोल्डन पीस टाइप कलर है उसका. और जो वलीमे का ड्रेस है वो मेरा सबसे अच्छा ड्रेस है, वो है ब्लू कलर का. और वो मैक्सी है लॉन्ग, बट वो मैं आपको शादी वाले व्लॉग में ही दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी. लेकिन फर्स्ट हम मायो का जो है, मायो नहीं वलीमे गई, मतलब के ब्लू कलर वाले ड्रेस का जो है ज्वेलरी वगैरह डिसाइड कर लेते हैं अभी. तो करना परेशान हो गए हम लोग. और जो ब्लू वाले ड्रेस है उसके साथ है गोल्डन पे थोड़ा सा काम किया हुआ है. और तो बस निकालते हैं ज्वेलरी. तो मेरे पास एक ये है, एक क्लिप है, इसके अलावा गोल्डन पे ये मेरे पास इयररिंग्स हैं, कुछ स्टार वाले ही वाले मगर. और इसके अलावा सिल्वर में मेरे पास ज़्यादा कुछ है, बहुत ज़्यादा है सिल्वर पे. और इसके अलावा कुछ मेरे पास झुमके भी हैं, लेट मी शो यू. तो ये जो झुमके हैं ना, ये मैंने बहुत मुश्किलों से ढूंढा था, गिर गया, हो गया काम खत्म, टूट गया. मजा आया. खैर टूटा नहीं, बच गया. टूटता क्या, बंदे थोड़ी ना टूटते हैं, नहीं टूट भी सकते हैं यार. नहीं रुक, कहां से आते हैं? खैर बूंदे कलर का साइड में ये जो है, ये मैंने झुमका रिंग टाइप है ये कुछ. और इसमें जो है नीचे
जो पायल में लगते हैं नीचे, वो पायल मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद मुझे, और वही लगा मैं बस, मुझे ये पता है कि पायल के नीचे जो लगते हैं। तो खैर ये है सिल्वर पे, बट अभी हम सर्च करें गोल्डन पे कुछ। तो गोल्डन पे मैंने सोचा है कि मैं पहनूंगी ये वाला, इट्स सो वंडरफुल। तो भाई इस बुंदे पे जो खासियत है इसकी, वो मुझे खासियत तो नहीं खाया, बट मुझे इसका ये जो स्टार है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इसको बाय किया था, तब से ही मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और हेवी गोल्डन का मैंने सोचा कि यही पहनूँ, और इसका वेट भी बहुत ज़्यादा लाइट है, मुझे बड़े बुंदे बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट क्या करें पहनना पड़ता है। तो खैर ये मेरा इस तरह से ब्यूटीफुल दूसरा वाला जगह देख लेते हैं। तो ये वाले बुंदे मैंने पहने हैं वलीमे के लिए, वलीमे के ड्रेस के लिए, और लेट मी शो यू नेक्स्ट। तो फर्स्ट इसको डालते हैं इसके रैपर में, उसके साथ मेरी मर्जी होगी कि मैं गोल्डन पहनूं या सिल्वर, तो मैंने सोचा मैं सिल्वर ही पहनूंगी, बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो ये मैं पहनूंगी। इसको भी रख देते हैं साइड में, और इसके अलावा मुझे ना छोटे टॉप्स बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे आप देख सकते हैं ये वाले, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, बट वो मैं भी नहीं निकालूंगी। तो मैं खड़ा होकर कह रही हूँ मुझे पैसे दे दो पैसे, इसको बस बस वही पफ पार्टी मिली मिली ये वाला सीन है मामा के साथ। तो खैर इसको भी देते हैं हम साइड में। तो एक बंदा है मेरे पास जो कि बहुत खूबसूरत सा है, सिल्वर में ही है बट ये भी, और इसको मैं सर पहनूंगी कि जो इसके दो आई थिंक पता नहीं क्या कहेंगे, जो भी कहेंगे इसको, वो मैंने ऊपर पहनना है, ये मैंने एक यहाँ पर पहनना है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, वो भी एक साथ ही है। तो खैर ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, और ये मैंने अब सोचा नहीं मैं किस में पहनूंगी, और मेरा नहीं ख्याल कि मैं शादी में ये पहनूँ। तो नेक्स्ट क्लिप मैंने आपको दिखा दिया था, वो तो बात की बात है, उसको तो रखो भी साइड में। सो नेक्स्ट वन इज आल्सो इन सिल्वर कलर, सो दैट इज ये भी गिर जाता अभी दिस, और ये पीछे से इसका नहीं है, रिंग नहीं है, बस ये डिज़ाइन टाइप कुछ ऐसे ही। तो ये वाला भी आई डोंट थिंक कि मैं किसी में पहनूँ, और इसके अलावा उस वाले इयरिंग के साथ ये मेरे एक नेकलेस है, बहुत प्यारा सा ही है, इस पर डब्लू लिखा हुआ है, अगर चाहे तो उसको एम भी कर सकते हैं, मगर डब्लू ही रहने दो तो ठीक है भाई। तो खैर ये है ब्यूटीफुल, और एक और क्लिप है मेरे पास जो कि है ये, वो ये एक ही क्लिप है, और वो तो मेरा डिसाइड होगा कि मेरा हेयर स्टाइल क्या होगा उस लिहाज से। और जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि मेरे पास सिल्वर कलर के बहुत ज़्यादा जो है वो बुंदे हैं, झुमके वगैरह हैं ज़्यादातर, तो उसमें आप देख सकते हैं मेरे पास एक ही रिंग वाला है, ये बहुत बड़ा सा है, तो खैर ये तो मैं नहीं पहनूंगी किसी में। और उसी के जैसा एक छोटा सा ये भी है, बट इसमें डिज़ाइन बना हुआ है वो बिल्कुल सिंपल था, और एक और है जो थोड़ा थिक है उससे, वो ये वाला है, और ये छोटा भी है उससे। और इसके अलावा इन सब के साथ मेरे साथ है एक ब्रेसलेट, लेकिन ये गोल्डन में है, तो शो यू सच अ ब्यूटी, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें चापड़ बना हुआ है, चापड़ ऐसा मालूम है सब उल्टा नहीं। तो खैर दूसरा मेरे पास है, बाद में दिखाती हूँ, बट मैं रिंग वगैरह वाले में से कोई सा भी नहीं पहनूंगी। इसके अलावा मेरे पास एक झुमका है ये वाला, ये थोड़े बड़े हैं, दैट इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो खैर ये वाला मैं किसी में नहीं पहनूंगी, और मुझे अभी खरीदना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा एक बुंदा जो मैं बारात में पहनूंगी। तो इंशाल्लाह जब खरीदूंगी तो शादी वाले दिन ही जो व्लॉग होगा उसमें आप देख सकते हैं होंगे कि मैं कैसे तैयार हुई हूँ। तो खैर इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारी ज्वेलरीज हैं, और एक मेरे पास है ये वाला, ये भी रिंग पे ही है बट ये गोल्डन है, और इस वाले के साथ इसका एक नेकलेस भी है, जो कि मुझे नेकलेस गले वाले गले में तो कुछ पहनना मुझे पसंद ही नहीं है, वो है ये, जो कि बिल्कुल फिट होगा आपकी गले में। और इसके अलावा तो मैंने डिसाइड कर ही लिया कि मुझे बारात में क्या पहनना है, नहीं बारात में तो मुझे खरीदना पड़ेगा, लेकिन वलीमा और जो मायो है उसे मैंने डिसाइड कर लिया है कि मायो में पहनूंगी ये वाला, और वलीमा में पहनूंगी मैं ये वाला, ये और उसके साथ ये वाली क्लिप होगी जो कि मेरे हेयर स्टाइल के ऊपर डिपेंड होगी, मुझे लगाना होगा या नहीं। तो खैर इसको भी रख देते हैं साइड में, और इसके अलावा मेरे पास कुछ हेयर पोनी और हेयर बैंड वगैरह है, तो वो तो खैर शादी में लगाने से रही अपना। और इसके अलावा सेफ्टी पिन जो कि बहुत नेसेसरी होती है, एक बंदा ये भी है बट ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेना पहनूंगी नहीं क्योंकि मेरा कोई रेड सूट है भी नहीं, तो सेफ्टी पिन वगैरह है तो उसको भी रखते हैं साइड। और अब मैं चलती हूँ अपने लेंस की तरफ, कि मुझे लेंस क्या लगाना है आंखों में, तो मैंने सोचा कि मैं दिखाती हूँ, लेट मी शो यू। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
तो जूली वगैरह तो डिसाइड हो गई, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, डन 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 डन। बस बारात के लिए एक जूली खरीदनी है, इयर रिंग, क्योंकि अब मैं वो क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं जो यहाँ पे लगाते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद, गले में कुछ नहीं पसंद मुझे, हाथ पे कुछ नहीं पसंद, हाथ में मुझे वॉच पहननी है बस। तो खैर वॉच में आपको दिखाती हूँ, और लेंस देखते हैं। मेरे पास दो कलर के लेंस है वैसे तो, एक है एक्वा ग्रीन और एक है ब्लू टाइप, कुछ ऐसे ही नाम मैं भूल रही हूँ उसका, लेकिन देखते हैं कौन सा किसे पहनूंगी, या हो सकता है मुझे लेंस भी खरीदना पड़े। तो खैर लेंस लेट मी शो यू, एक लेंस है ये ब्लू वाला, नहीं नहीं ये एक वाला ग्रीन है, और ये वाला है ब्लू टाइप, कुछ ऐसे ही नाम मैं बहुत ज़्यादा भूल रही हूँ, अब मुझे याद था मगर। तो फर्स्ट हम ये वाला खोल लेते हैं, ये एक वाला ग्रीन कलर, और ये मैंने लेंस ओपन कर लिया, और लेट मी शो यू, ये बहुत प्यारा है मेरी आंखों में। तो खैर लेट मी शो यू माई लेंस इन एक्वा ग्रीन कलर, सो दैट इज माई लेंस इन एक्वा ग्रीन कलर, इट्स सो ब्यूटीफुल। और एक्वा ग्रीन कलर तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, अब मैं दिखाऊंगी ब्लू कलर। तो ब्लू कलर बहुत प्यारा सा है, और ब्लू कलर को ओपन करती हूँ। ओह शिट, ब्लू कलर वाले में वाटर नहीं है यार, मजा आया, गॉड बचा तो गई, वरना अभी चले जाता मेरा ब्लू वाला लेंस। फर्स्ट हम इसे वाटर फिल कर देते हैं। तो भाई ब्लू वाले लेंस का तो वाटर बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल लास्ट अमाउंट तक रह गया था, और अभी मैंने उसमें वाटर फिल कर लिया है, तो थोड़ा देर ऐसी रहेंगे, हो सकता है ठीक हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा एक लेंस जो है वो बहुत ज़्यादा आइस के पीपल की तरफ अंदर चला गया। 2000 years later और ये जो है वो गेट पर आया। खैर तो ये रहा मेरा ब्लू वाला लेंस, और इसमें ये वाला तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, और देखें इसके अंदर जो है ये वाइट होल जो है बीच में वो बहुत ज़्यादा डीप हो गया है। तो खैर देखती हूँ, वरना ऐसा ना जुगाड़ लगाना पड़े मुझे दूसरे लेंस का। तो खैर इसको मैं बंद कर देती हूँ, और लेंस मैंने सोचा नहीं है। तो भाई मैंने अपने दोनों लेंस को बंद कर दिया है वाटर फिल करके दोबारा से, और अब जो है वो शादी वाले दिन भी मैं आपको दिखूंगी कि मैं कैसे तैयार होती हूँ, क्या होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्योंकि मेहमान जो है वो आने वाले हैं कुछ घंटों बाद, आई थिंक सो, या कल हो सकता है। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, होप आप लोगों को अच्छा लगा मेरी वीडियो देखकर। तो अल्लाह हाफिज़।